सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जिके असान के चॉइस जिका वो हिता ही मिलियो, असान के चंगाई प्रोफाइल्स मोकलियो जिमा असान चॉइस करी सकियासी और थोड़ी समय में असाई बेबी जी माना मंगई थी तो वो रिश्तो.com जी कर ही थियो न त असान इतरो जल्दी न करे सके। रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में एक और धोखादायक इमारत को तोड़ने के दौरान दो माले का मलबा पास के मकानों पर गिरने की घटना सामने आई है, जहां इस घटना में बाल बाल लोग बच गए हैं। उल्लासनगर कैंप 3 शांतिनगर परिसर में गावड़े स्कूल के पास 5 मंजिला धोखादायक इमारत सिमरन पैलेस को तोड़ने का कार्य कुछ दिनों से शुरू किया गया था और इमारत को तोड़ने वाला कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के ही यह तोड़क कार्रवाई कर रहा था, ऐसा रहवासियों का कहना है। जहां आज दोपहर 2 बजे के दरमियान इमारत को तोड़ते दो माले का मलबा नीचे बने दो घरों पर गिरा, जिसमें घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जिसमें इमारत के पास का एक मकान और प्रियदर्शनी अपार्टमेंट के वॉचमैन का रूम शामिल है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, परंतु आसपास के गरीब रहवासियों का बहुत नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उल्लासनगर के आमदार कुमार ऐलानी ने भी दौरा किया। इससे पहले भी धोखादायक इमारतों को तोड़ने वाले ठेकेदारों की लापरवाही के कारण शहर में कई हादसे हो चुके हैं। वहीं अब देखना होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन इस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं रहवासियों ने भी हादसे में हुए उनके नुकसान की भरपाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लास। आमच्या घरावर पूर्ण बिल्डिंग पडली, सगळं नुकसान झालं। आम्ही बाहेर होतो, ते मुलं आले आम्हाला सांगले, माझ्या मुलाचे मित्र, ते बोलले बाई तुम्ही घरात थांबू नका, तेव्हा आम्ही तिकडे गेलो, नाही तर आम्ही घरातच असतो ना। सर्व नुकसान झालंय, माझे टीव्ही होती, 2 कपाट, फ्रीज, गॅस, सगळं संसार माझा पूर्ण गेला। कधीपासून चालू होतं तोडायचं काम? हे तर गण महिन्यापासून चालू आहे। अच्छा, म्हणजे त्यांनी तोडताना तुम्हाला सांगितलं नाही का घरात थांबू नका किंवा काय? नाही, काहीच नाही सांगितलं, असं काहीच नाही सांगितलं, काहीच नाही, कुठं काय लावलंय, सगळं हे काय माती पूर्ण आहे, बघा ना। डॉक्टर गौरजी के स्कूल के पास में सिमरन पैलेस करके बिल्डिंग है, जो ऑलरेडी धोखादायक बिल्डिंग थी, करीबन 1 साल के आसपास में वहाँ पे रहवासी सभी ने उन्हें खाली कर दिया था। ये बिल्डिंग के तोड़ने का काम चालू ही था, जो ठेकेदार ने ठीका लिया है तोड़ने का और ये पोकलेन मशीन लगी हुई है उससे मलबा निकालते निकालते उसने थोड़ा आज क्या मालूम कैसे इनका जो पोकलेन से निकाल रहा था उससे एक पार्ट जाके बिल्डिंग का बाजू वाले के घर पे गिरा। वहाँ पे एक लेडीज़ और उनके बच्ची हैं 4-5, भगवान की दया से वो बच गए क्योंकि वो घर के बाहर थे, नहीं तो आज उसके घर में पूरा बिल्डिंग का मलबा पूरा ईंट खड़ी रहती उसके घर पे गिर गया है और पत्थर उन मलबे की वजह से उनका पत्रे टूट गए, बांधकाम टूट गया, किचन विचन सब टूट गया है। मैं कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से बोल के उनको जो भी उनका कॉम्पनसेशन जो देना चाहिए उनको दिलाऊंगा और ये जो अभी बिल्डिंग का जो बाकी पोर्शन बचा है उसको भी संभाल के यहाँ आसपास में खाली करके उसको तोड़ा जाए, ऐसा मैं कमिश्नर को कहूँगा। मुझे नशिबाने एवढं चांगलं आहे ते घराच्या बाहेर सगळे बसले होते, ऊन असल्यामुळे गर्मी असल्यामुळं घरात असं झालेलं आहे की त्यांचं घरात काहीच राहिलेलं नाही, पूर्ण परपंच उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि त्यांना महानगरपालिकेकडून या ठेकेदाराकडून जी घराची मदत पूर्ण
तुटफूट झालेली आहे, या परपंच पूर्ण त्यांचा उद्ध्वस्त झालेला आहे, ते महानगरपालिकेने मदत मिळाली पाहिजे. जीवितहानी झाली नाही, पण त्या ठेकेदाराने जे चुकीच्या पद्धतीने काम केलेलं आहे त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. ही ब्राह्मणपाड्या परिसरात झालेली आहे, प्रियदर्शनी बिल्डिंग होती ती तोडायचं काम चालू होतं. जवळच शाळा पण आहे, काय सेफ्टी डोर वापरत नव्हतं, सेफ्टीचं काय साहित्य त्याच्याकडं नव्हतं त्या ठेकेदाराकडं. महिन्यापासून ते काम चालू होतं. शाळेचे विद्यार्थी पण इथून हजारोच्या संख्येने जात राहतात रस्त्यांनी, आणि ती दर दुर्घटना इथं झाली, जी हानी झालेली नाही. तुम्ही प्रशासनाकडे काय मागणी करणार आहात? ह्यांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी आम्ही प्रशासनाला मागणी करू. मशीन उठाने मत दो, बरोबर उसको बोलो पहले बोलो उनको नुकसान भर के देवे, उधर से बटा देवे, नहीं तो बाइक कब तक भटकेगी, बच्चे बच्चे छोटे छोटे. तो एक काम करो उसको बोलो वहाँ से पोकलेन मशीन से मलबा निकाल के इनका बना के पतरे पतरे लगा के दीवार लगा के पलस्तर पलस्तर किचन बाथरूम जो भी टूट गया है वो बना के दे दो. हेलो ठीक है भाई, ये करेगा. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.